और उनको गिरफ्तार करके ला के ब्लॉक के बगल में डाक बंगला है, उस डाक बंगला में एक रात उनको रखा गया था और दूसरे दिन सुबह उसको रांची ले गया गया। लेकिन आज तक हमको लगता है उसका गिरफ्तारी के बाद अभी तक का जहाँ पर गिरफ्तारी हुआ वहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का अभी तक मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ अभी तक, और जिस डाक बंगला में उनको रखा गया था वहाँ भी भगवान बिरसा मुंडा का ऐसा कोई भी भगवान के नाम से नहीं है, मुंडा जी के नाम से नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ उनका गिरफ्तारी हुआ है वहाँ हम लोग 15 नवंबर को उसका मूर्ति बन के चल गई है। हमारा जो क्षेत्र है वो कर्मभूमि भी उनका है और जन्मभूमि भी उनका है, और उनके इतिहास के बारे में कोई जानना भी ठीक से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी समाज हमारे क्षेत्र के लोगों में कमी है। हम बिहार के जो मगध यूनिवर्सिटी है वहाँ PhD करने के लिए भी हम अभी अप्लाई किए हैं मगध यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई किया गया है। तो पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले जो बिगुल फूका था वो सिद्धू कान्हू ने, और भगवान बिरसा मुंडा ने शहादत दी। मेरे साथ चकधरपुर के विधायक, JMM के चाईबासा के जिलाध्यक्ष और बड़े कद्दावर नेता हैं सुखराम उराव। उन्होंने एक नई कोशिश की है और भगवान बिरसा मुंडा की वो मूर्तियाँ लगवा रहे हैं हर पंचायत में। एक खास बात और है कि पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजनों के लिए, वो विधायक जी उसके एक उदाहरण भी हैं। विधायक बनने के बाद इन्होंने PG तक की पढ़ाई की है, तो उस पर भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात भगवान बिरसा मुंडा की, कहाँ कहाँ तस्वीरें मूर्तियाँ लगवा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी गिरफ्तारी हुई थी, एक संकरा जगह है टेबो पंचायत में, एक संकरा गांव होता है चाईबासा जिले में ही, वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की गिरफ्तारी हुई थी और उनको गिरफ्तार करके ला के ब्लॉक के बगल में डाक बंगला है, उस डाक बंगला में एक रात उनको रखा गया था और दूसरे दिन सुबह उसको रांची ले गया गया। लेकिन आज तक हमको लगता है उसका गिरफ्तारी के बाद अभी तक का जहाँ पर गिरफ्तारी हुआ वहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का अभी तक मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ अभी तक, और जिस डाक बंगला में उनको रखा गया था वहाँ भी भगवान बिरसा मुंडा का ऐसा कोई भी भगवान के नाम से नहीं है, मुंडा जी के नाम से नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ उनका गिरफ्तारी हुआ है वहाँ हम लोग 15 नवंबर को उसका मूर्ति बन के चल गई है, उसको मूर्ति को बैठाने का प्रक्रिया चल रहा है और 15 नवंबर को हम लोग उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। और उसके बाद डाक बंगला में जहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी को रखा गया था वहाँ भी हम लोग 15 नवंबर को मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके साथ साथ में मेरा लक्ष्य 2024 तक में कि मेरे विधानसभा में 36 पंचायत है, एक नगर है, तो पूरे 36 हर पंचायत में हम लोग को उसका मूर्ति के लगवाएंगे, भगवान बेटा मुंडा जी का मूर्ति हम लोग लगवाएंगे, क्योंकि ये उनका कर्म भूमि है। हमारा जो क्षेत्र है वो कर्म भूमि भी उनका है और जन्मभूमि भी उनका है। अच्छा, चाईबासा उनका, और इसीलिए यहाँ पर उनका जो सम्मान मिलना चाहिए, जो भगवान उनको भगवान का दर्जा उनको मिला है वो जो है आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हमको लगता है आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा उनका याद में उनका यादगार में ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में कितना योगदान था इसको भी लोग नहीं जान रहे, और आने वाली पीढ़ी है धीरे 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 भूल रहे लोग, केवल है भगवान बिरसा मुंडा जी कोई था जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, लेकिन उसको जीवनी के बारे और उनके इतिहास के बारे में कोई जानना भी ठीक से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी समाज हमारे क्षेत्र के लोगों में कमी है। तो इस चीज़ को जगाने के लिए हम लोग अगर हर पंचायत में कि भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का अनावरण हो जाए, लग जाए, तो हमको लगता है कि जरूर साल दो साल में हर साल जैसा होता है 15 अगस्त को या उनका जन्मदिन में क्या है कि उस पर चर्चा लोग करेंगे, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवनी हम लोग तैयार कर रहे हैं, पूरा जीवनी ऐसा पहले बहुत लोग रिसर्च किए हैं उस पर, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में तो रिसर्च हुआ हो ही रहा है, तो हम लोग अपने तरीके से अपने पार्टी की तरफ से हम लोग उसका जीवनी हम लोग तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं हम लोग, इनके लिए बहुत लोगों को जिम्मेवारी दिया गया है। तो अभी आप लोग तो आदिवासियों की सरकार कहा जा रहा है कि झारखंड में है, और अबू आदिसुम अबू राजा भी तो शिव सोरेन भी हैं, तो क्या है प्राथमिकताएं अभी आपकी जो सरकार चले, आप तो अब जिलाध्यक्ष भी हैं JMM के। देखिए, सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर जैसे जैसा ही सरकार बनी है
डेढ़ साल लगभग अभी होने जा रहा, आज भी हम किसी न किसी रूप से कोरोना से पीड़ित हैं। अभी कुछ हम लोगों के लिए, हम लोगों राज के लिए थोड़ा सा अच्छा है, नॉर्मल है हम लोग, तो इसी दिशा में हम लोग काम, खासकर हम लोग यहाँ के आदिवासी जो मूलवासी हैं ओबीसी, हमारे पिछड़ी, ये सारे दलित लोगों को हम लोग लेके चल रहे हैं। पूरी तरह से जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो अपर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग पूरी तरह से इस समाज से बाहर, इस समाज को लोग मानता नहीं है, इस समाज से कोई मतलब नहीं रखता। तो उन लोगों का जुटान अभी इस सरकार में, उन लोगों का जुटान हो रहा है, सरकार अपने तरीक़ा से कर रही है। नवंबर, 15 नवंबर से लेके हमको लगता है 30 दिसंबर तक कुछ जो नियमावली हमारा सरकार ने बनाया है यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ पिछड़ी वर्ग के लिए जो बनाया, जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो लगभग फार्मूला तैयार है। और हमको लगता है कि 15 नवंबर के बाद से ये अपना सरकार काम करना चाहिए। टीचर की भर्ती वाला बड़ा मुद्दा था जिस पर बीजेपी की सरकार गई, आप लोग की सरकार आई, तो क्या उन लोगों की नियुक्ति परमानेंट होगी जो पारा शिक्षक थे, जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी शिक्षक भी थे? देखिए, पारा टीचर की जहाँ तक बात है उसमें है, 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक वो पारा टीचर है, लेकिन जो पारा टीचरों को बीच जो हमारे थे, वो लोग एग्ज़ाम भी कई उन लोगों को दिया है, जो टेट पास वगैरह किए हैं, उन लोगों को इसमें रखा जा रहा है। बाकी जो मौका दिया जा रहा है उसमें आपको छूट दिया जा रहा है, आप एग्ज़ाम लिख के आइए, आपको हम लोग नौकरी देंगे। लेकिन हमको लगता है 65,000 लगभग पारा टीचर हमारा राज्य में है, हमको लगता है इस बार 40-45,000 पारा टीचर को सरकार की नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई जो थे, आप अपने बारे में बताइए, आपने विधायक बनने के बाद पढ़ाई शुरू की? देखिए, हम लोग बहुत लंबा संघर्ष किया हमारे माँ बाप ने, और उस समय लगता है कि पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, या जाने अनजाने में हम लोग से कहीं चूक हुआ होगा जो हम लोग पढ़ नहीं पाए, और मैट्रिक एग्ज़ाम लिखने वाले थे, उसी बीच से कुछ कारण ऐसा और नहीं लिख पाए। 2005 में जब विधायक हम बने हैं, तो पहला 2005 में हम मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखे। विधायक बनने के बाद आपने मैट्रिकुलेशन पास? विधायक बनने के बाद मैट्रिक, लगातार हम 8 साल पढ़े हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम लिखे, उसके बाद इंटर हम 2 साल किए हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल लगा, पीजी हम कंप्लीट कर लिए हैं। और बता दे रहे आपको, हम बिहार के जो मगध यूनिवर्सिटी है वहाँ पीएचडी करने के लिए भी हम अभी अप्लाई किया, अप्लाई किए हैं, मगध यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया गया है। तो पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता है, और हम पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, और अभी भी हमको लगता है 2005 के समय के जो विधायिका मेरी थी और अभी का विधायिका में हमको लगता है जमीन आसमान अंतर है, क्योंकि बीच में 10 साल गैप हो जाने के बाद में हमने बहुत बारीकी से किताबों को देखा है कि एक विधायक का क्या अधिकार होता है, विधायक का क्या पावर होता है, विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, विधायक क्यों नाराज होते हैं, विधायक अधिकतर नाराज लोग ज़्यादा होते हैं, विधायक बन जाने पर नाराज ज़्यादा, नहीं नाराज के मतलब गैप कहाँ है, नाराज क्यों होते हैं, ये सारे चीज़ों को हमने व्यक्तिगत अपने लिए ही ज़्यादातर इस पर हम लोग विचार किए, सोचे हैं, और इस पर अभी तक हमको, मेरा 2 साल लगभग होने जा रहा है, समाज को बहुत उम्मीद है हमसे, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, समाज को बहुत उम्मीद है, और ऐसा भी हमको जिला अध्यक्ष बना दिया है, तो जो सीमा बढ़ गई है, लेकिन पूरा जिला में आज अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कोई भी व्यक्ति अगर है तो वह सुखराम है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे सहयोग के क्षेत्र में हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 रुपया हम कमाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 25% अपने परिवार के लिए रखें और 75% जो है हम समाज के लिए बांटें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरे जाने के बाद 2005 में जो विधायक बने थे और 10 साल गैप होने के बाद 2019 में दोबारा आए हैं, 2005 का जो कार्यकाल था मेरा वही हमको दोबारा वापस लाया है, तो सहयोग की भावना जो होता है। तो आप तो खुद पढ़ लिख रहे हैं, विधायक बन गए, लेकिन अब तो आपकी जिम्मेदारी बच्चों के लिए स्कूल खोलने की है, तो इस इलाके में स्कूल जो है वो सबसे अब संतुष्ट हैं या और सरकारी स्कूलों की जरूरत है? नहीं, और सरकारी स्कूलों की जरूरत है। ऐसा तो जैसे कि मेरा भी बाल बच्चा लोग थोड़ा सा अभी मोटा मोटी हमें लगता है कि बहुत पढ़ लिख के बहुत जगह पर आ गया है, लेकिन हम लोग पिछले दिन हम लोग मेरी जो बाबूजी हैं स्वर्गीय लट्टू राम जी, उनका नाम से एक स्कूल हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग इंटर कॉलेज खोलेंगे, तो घोषणा हुआ है, भवन बन भी रहा है, और हम लोग जल्द ही करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो तारीफ़ करनी पड़ेगी ऐसे दौर में जब सरपंच का चुनाव जीतने के बाद लोग अहंकार में डूब जाते हैं, सुखराम उरांव जैसे लोग जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है राजनीति में,
वो उन्होंने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है पॉलिटिकल साइंस में, और अब पीएचडी करने के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि 21वीं सदी जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का होगा, क्योंकि उनके नेता हो, उनके युवा हो, वो स्कूल कॉलेज के रास्ते तय कर रहे हैं। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, ये सवाल आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को स्कूल के रास्ते स्कूल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, राजनीति में भी आना पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई के ऊपर जोर देना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया हमें समय देने के लिए, धन्यवाद आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।